नमस्कार दोस्तों, शिवथर टेक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है थ्रिलिंग राइड टू माथेरान बाय रोड। दोस्तों, माथेरान के बारे में डिटेल वीडियो पहले से बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, माथेरान के लिए टॉय ट्रेन से, रोड से या ट्रेकिंग के रूट से जा सकते हैं। टॉय ट्रेन माथेरान का सबसे बड़ा आकर्षण है, लेकिन बारिश के सीजन में टॉय ट्रेन बंद होती है, इसलिए हमने बाय रोड जाने का फैसला किया। बाय रोड कार से माथेरान जाना ये अपने आप में एक थ्रिल है, और यही थ्रिल महसूस करने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलो सफर शुरू करते हैं। सुबह जल्दी हम नेरल से निकले। कुछ ही मिनट्स में हम माथेरान के गेटवे तक पहुंच जाएंगे। हम कहीं से भी आएंगे तो नेरल के पास वाले माथेरान को जाने वाले इस गेटवे से ही गुजरना पड़ता है। जैसे ही आप माथेरान के गेटवे से अंदर एंट्री करेंगे तो माथेरान की घाटी शुरू हो जाएगी। यहाँ का नजारा देख के रोजा का ये हंसी वादिया ये गाना जरूर याद आएगा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो जो जीता वही सिकंदर की बारामुल्ला की खतरनाक घाटियां याद आ जाएंगी। इस पूरी घाटी में बहुत सारे खड़े चढ़ाव है, बार बार तीखे टर्न्स है, कहीं टर्न्स पे तो पिन होल जैसी सिचुएशन है, मतलब थोड़ी सी भी गलती खाई में लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग करना कोई रोलर कोस्टर से कम नहीं। यहाँ से गुजरते समय रास्ते में बहुत सारे झरने दिखेंगे। वहाँ वाटरफॉल के पास आप कुछ समय बिता सकते हैं। माथेरान जाने वाला यह रास्ता बार बार टॉय ट्रेन के ट्रैक से भी क्रॉस होता है। अगर टॉय ट्रेन चालू है तो टॉय ट्रेन के साथ कार चलाने का मजा भी आप ले सकते हैं। लो पहुंच गए हम, ये दस्तूरी नाका है, गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ती है। ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। नीचे से ऊपर आने के लिए एक एक्सपर्ट ड्राइवर को 20 मिनट लगते हैं और ऊपर से नीचे जाने के लिए 15 मिनट। माथेरान के एंट्री फी एडल्ट्स के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये है। अगर आप शेयर टैक्सी से आ रहे हो तो पर पर्सन 80 रुपये लगते हैं। रोड से माथेरान कैसे आना है? अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो वाशी या ठाना होकर आना पड़ेगा। वाशी हो या ठाना हो, वहाँ से नेरल तक का अंतर 60 किलोमीटर है। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो लोनावला खोपोली कर्जत से होके आना पड़ेगा, ये अंतर 110 किलोमीटर है। अगर नासिक से आ रहे हो तो इगतपुरी मुरबाड से होके आना पड़ेगा, ये अंतर 160 किलोमीटर से है। चलो अभी नीचे उतरना शुरू करते हैं। सामने घाट शुरू का बोर्ड दिख रहा है।
यहाँ दो दोस्त फोटो निकाल रहे हैं। थ्रिल महसूस करना है तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। जहां पे रास्ता चौड़ा है वहां पे मार्किंग करके गाड़ी पार्क करने की सुविधा की गई है। वहां पे गाड़ी खड़ी करके हम नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, माथेरान मुंबई से या पुणे से इतना नज़दीक है कि दो दोस्त कभी भी सोच सकते हैं कि चलो आज हम बाइक लेके निकलते हैं और माथेरान घूम के आते हैं। हम सामने देख रहे हैं कि एक्टिवा लेके दो लोग आए हैं। अगर आप बाइक लेके आने की सोच रहे हो तो बाइक के ब्रेक्स ज़रूर चेक कर लेना आने से पहले, या इंजन भी अच्छी कंडीशन में है इसकी तसल्ली करके ही यहाँ पर आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न और बहुत ज़्यादा स्लोप एक साथ है, देखिए, और एक टर्न ख़त्म होते ही दूसरा टर्न सामने आ जाता है। और जब ऐसा सीधा रास्ता मिलेगा तो चलाने वाला ड्राइविंग का लुत्फ़ तो उठाएगा ही। यहाँ पे हम टॉय ट्रेन के नैरो गेज को क्रॉसिंग देख सकते हैं। और यह दूसरा क्रॉसिंग। और ये और एक क्रॉसिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लोग रेलवे ट्रैक से भी ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। चाय पकोड़े खाने के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं। Damn, my head.
दिल थाम कर बैठी है दोस्तों, एक बार सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद देखिए क्या होता है। दोस्तों सामने जो गेट दिख रहा है वहां पे ये एडवेंचर राइड खत्म हो जाएगा। अभी हम माथेरान गेटवे से बाहर निकल के बदलापुर कर्जत रोड पे आ चुके हैं। यहां से राइट टर्न लेके हम नेरल के अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सफर, आपकी राय कमेंट में जरूर लिखना। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।